आगामी होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। त्योहारों के दौरान रंग में भंग ना पड़े, इसको लेकर जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी हर कोतवाली व थानों पर पीस कमेटी की बैठक कर संभ्रांत नागरिकों से गहनता से चर्चा कर रहे हैं। बैठक में पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोग एक दूसरे की भावना की कदर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग कानून के दायरे में रहकर ही होली का पर्व मनाएं। स्थानीय स्तर पर कर लिया है और विशेष तौर पे हम लोग को शराब और म्यूजिक पे ध्यान रखना है, क्योंकि शराब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लोग स्पीडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं, इधर उधर की हरकतें करते हैं। तो इसके मद्देनज़र हम लोग शराब पे पूरी तरह से पाबंदी कर रहे हैं। उसके पहले कच्ची शराब हमारे क्षेत्रों में कहीं से भी ना आके बिक पाए, इसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से टीम तैयार करके रेड कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम होली अच्छे से तैयारी किए हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए हमारे हर चौराहे तिराहों पर बैरियर लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा ओवर स्पीडिंग ना कर पाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो ओवर स्पीडिंग के चक्कर में त्यौहार पे उसका एक्सीडेंट हो या कोई दुर्घटना हो तो उसमें शोक की बात आए। तो हम उसके मद्देनज़र भी हर चौराहे पे बैरियर्स लगाएंगे, हर चौराहे पे हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की ड्यूटी लग रही है। और साथ में जो होली लोग खेलते हैं उसमें कई बार डीजे का प्रयोग करते हैं और वो अपने कायदे से बाहर चले जाते हैं, तो उनको जो है रोकने के लिए हम लोग डीजे पर प्रतिबंध लगाएंगे, डीजे वालों से मीटिंग करेंगे। डीजे पर जो नियमानुसार माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से वो लोग साउंड सिस्टम अपना उस लेवल डेसिमल में यूज करके अपना होली आनंद उठा सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं से भी डीजे का प्रयोग वर्जित रहेगा।